हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर और लैंड डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर डॉट बराबर भी, सिंगल डॉट बराबर भी फ़र्क हुआ तो हम आपको आपके पैसे रिटर्न। इसमें न्यूज़पेपर में इसका ऐड दिया जाता रहेगा कितने की ज़मीन दे रहे हैं। अगला सवाल आएगा कितनी लीगल और ऑथेंटिक। इसका तमाम मैनुअली और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड निकलवाएंगे। एक मोबाइल भी आप लेने चले जाए ना तो वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। आपको कितने में वो 3 ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उनकों का मुश्तरका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग अपना प्रॉपर्टी गोल्ड के हवाले से इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी गोल्ड के हवाले से और अपने तारुफ के साथ साथ जिस सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी सारा आप लोगों को दिखा सकें। देखिए, मेरा नाम आतिफ़ है, आतिफ़ हुसैन मेरा नाम है, और मैं प्रॉपर्टी गोल्ड पे यहाँ पे इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ होते हैं अनस और मैं, हम दोनों मिलके इस प्रॉपर्टी गोल्ड को रन कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी गोल्ड क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर, जब इस वक्त महंगाई अरूज पे है। एक गरीब आदमी के लिए मकान बनाना एक नामुमकिन काम हो चुका है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के जिनके मकानात नहीं हैं, जो किराए पे रहते हैं, उन लोगों को ऐसी ज़मीन प्रोवाइड कर सकें, इतनी सस्ती ज़मीन दे सकें जिसके अंदर वो अपना घर बना सकें। अच्छा, उसके लिए हम लोग ना सिर्फ उन लोगों को सस्ते प्लॉट्स दे रहे हैं, और नंबर 2 लीगल और ऑथेंटिक ज़मीन दे रहे हैं। हम लोग काम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर अ इन्वेस्टर। हम लोग इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर के तौर पे लोगों से प्लॉट्स ख़रीदते हैं और ख़रीद के आगे रीसेल के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई नॉमिनल प्राइस के अंदर है। अच्छा, इस वक्त जबकि एक मोबाइल भी आप लेने चले जाए ना तो वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है, आपको इतने में ज़मीन दे रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट की लीगल और लीज ज़मीन दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो ज़मीन कहाँ पर है? अब आपका अगला सवाल होगा कि वो ज़मीन कहाँ पर है। वो ज़मीन है LERP के अंदर। LERP स्टैंड फॉर लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। ये लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है कहाँ पे, आपके जहन में सवाल आएगा। और उसके बाद अगला सवाल आएगा कितने की ज़मीन दे रहे हैं। अगला सवाल आएगा कितनी लीगल और ऑथेंटिक ज़मीन दे रहे हैं हम। देखें, इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। प्रॉपर्टी गोल्ड इस वक्त जो है वो आपको दे रहा है LERP के अंदर जो ज़मीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। Property Gold deals in LERP, Lyari Expressway Resettlement Project, a joint project of the Federal, Provincial and Karachi City Government. ये 3 हुकूमतों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। परवेज़ मुशर्रफ दौर में आप सब दोस्तों को याद होगा लियारी एक्सप्रेसवे की तामीर शुरू हुई थी, और इसकी तामीर कहाँ से शुरू हुई थी? यहाँ सोहराब गोठ से लेके और माड़ीपुर तक लियारी एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। उसके दौरान जितने लोगों के मकानात उस नाले के ऊपर आ रहे थे, उन तमाम मकानात को मिसमार किया गया, और उन सबको मिसमार करने के बाद उन लोगों को गवर्नमेंट ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन दी उसकी जगह पे, क्योंकि नाले से जायज़ और नाजायज़ तमाम लोगों को हटाया गया, तो गवर्नमेंट ने उनसे उनको दूसरी जगह पे मुतबादिल के तौर पे ज़मीन भी दी, और साथ 50-50 हज़ार के चेक दिए ताकि वो लोग अपना मकान बना के बैठ सकें। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर है ज़मीन, LERP कहाँ पर है। आप सब लोगों ने तैसर टाउन का नाम तो सुन रखा होगा। तैसर टाउन सारा कराची जानता है कि MDA का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उस तैसर टाउन के टोटल 146 सेक्टर्स हैं, 146 सेक्टर्स हैं तैसर टाउन के। उस 146 सेक्टर्स में से हम लोग प्रॉपर्टी गोल्ड सिर्फ 6 सेक्टर्स में डील करता है। वो 6 सेक्टर्स वो हैं जो कि LERP ने, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट वालों ने MDA से बाय किए थे, और वहाँ पर इन तमाम लोगों को, मुतासरीन को रीसेटल किया था, इनको फ्री में प्लॉट्स दिए थे और साथ पैसे दिए थे। अच्छा, ये 6 सेक्टर्स कहाँ पर आते हैं और इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसकी लोकेशन के लिए हम आपको, आपका समझना ज़रूरी है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी प्राइस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या हैं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैप है, मास्टर प्लान है लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का, LERP का। अच्छा, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सोहराब गोठ है। सोहराब गोठ से अगर हम इस रोड पे आगे चलना शुरू करते हैं नागन चौरंगी की तरफ, तो नॉर्थ कराची पे हमारा ऑफिस है। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पे हमारा ऑफिस है, यहाँ से आप आगे जाएंगे फोर की चौरंगी आ जाएगी, दैन सरजानी टाउन। सरजानी टाउन पे आप जब पहुँचते हैं तो आप अपने राइट साइड पे मुड़ जाएं, आगे जाएंगे एक ब्रिज क्रॉस करेंगे तो खुदा की बस्ती आ जाएगी। खुदा की बस्ती से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो ये छः सेक्टर्स शुरू हो जाते हैं जो कि LERP के पास हैं। LERP लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के 6 सेक्टर्स हैं, इसमें 35, 36, 50 एंड 51। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चारों के चारों सेक्टर्स एक ही सीक्वेंस के अंदर हैं। 35, 36, 50, 51 के अंदर डेवलपमेंट का सारा काम हो चुका है। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसा, हर चीज़ यहाँ पर बुनियादी सहूलतें पहुँच चुकी हैं। अच्छा, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है अगर डेवलपमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर गई हैं। इसकी प्राइसेस इस वक्त अगर आप मिनिमम साइड पे देखें तो तकरीबन 17-18 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ रुपए तक का प्लॉट है इन डेवलप सेक्टर्स के अंदर 35, 36, 50, 51 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी के बिल्कुल बराबर में अब आप देखें तो ये 53 और 54 है, 53 एंड 54। 53 और 54 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त 2.5 लाख से प्लॉट की कीमत स्टार्ट होती है जो कि 15 लाख रुपए तक है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए का कौन सा है, आपका सवाल ये होगा कि 2.5 लाख रुपए का प्लॉट कौन सा है और 15 लाख का? ये लोकेशन के हिसाब से है। लोकेशन इसके अंदर जो मिनिमम साइज़ है गली का वो 30 फीट का साइज़ है और मैक्सिमम 160 फीट तक भी रोड है यहाँ पर। तो जैसी लोकेशन है, कॉर्नर, नॉन कॉर्नर, कमर्शल, नॉन कमर्शल, रेजिडेंशियल, इस तरह से हर जगह के हिसाब से उसकी कीमत है। अच्छा, अगर इसकी अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो इस 53 और 54 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम जो है ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20% का डेवलपमेंट का काम हुआ है। यहाँ पर कारपेट रोड जो है ये 150 फीट वाली, इस पर एक साइड के ऊपर कारपेट हुआ है, दूसरी साइड पर क्रश पड़ा हुआ है। अंदर वाला जो रोड है इस पर भी क्रश है। बैक साइड वाला जो रोड है जो कि सीधा नॉर्दर्न बाईपास पर जा रहा है वो वाले रोड के ऊपर कारपेट दोनों पे हुआ है। ये 160 फीट रोड है, इसके ऊपर भी क्रश पड़ा हुआ है। इस 53 और 54 की इम्पोर्टेंस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वो भी बताना चाहूँगा। ये नॉर्दर्न बाईपास है जिसको अब मोटरवे 10 का स्टेटस मिल चुका है, M10 का स्टेटस मिल चुका है। जितना भी आगे फ्यूचर में गवादर से माल आना है वो नॉर्दर्न बाईपास या M10 से होता हुआ M9 पे आएगा और M9 से ये पंजाब की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसकी और सराउंडिंग्स की अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बिल्कुल सामने इसके लेबर स्क्वायर्स के सैकड़ों की तादाद में फ्लैट्स हैं जहाँ पर कुछ पोजेशंस मिल चुकी हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता पोजेशंस मिल रही हैं। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। इसी के बराबर में फिज़ाइया बेंगलोज़ हैं। फिज़ाइया बेंगलोज़ इस वक्त तकरीबन 1.25 करोड़ की ज़मीन दे रहा है, 120 गज़ की। अच्छा, इससे आगे आ जाए पाक चाइना टाउन और उसी तरह न्यू जोडिया बाज़ार, बेशुमार प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कोई भी 50 लाख से कम ज़मीन नहीं देता। इसी के पीछे बैक के ऊपर आप आ जाते हैं तो ये एसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। 35 सेक्टर से आप जब एसनाबाद या गुलशन-ए-मेमार की तरफ आना चाहते हैं तो जस्ट 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। यहाँ से आप यहाँ एसनाबाद की तरफ और गुलशन-ए-मेमार का बैक साइड वाला जो रोड है वहाँ पर आप आ सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर 53 और 54 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा, ये अब आप अगर देखें तो ये MDA का मास्टर प्लान है, MDA का मैप है, मास्टर प्लान है और ये MDA का मैप डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पर आप अगर देखें तो तमाम इनके डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इनके इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सबके साइन के साथ ये मैप मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि 53 और 54 को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती है। अब वो क्या है ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। ये वो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में एक डाउट और भी होता था, वो ये कहते थे कि यार ये 53 और 54 MDA के पास है या LERP के पास है। काफ़ी लोगों का ये सवाल है। आज इस मैप को देख के आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये 35, 36, 50, 51 एंड 53 एंड 54 ये एक ही कलर के अंदर प्रेडिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा इसके बिल्कुल बैक के ऊपर आप देखेंगे 53 और 54 के आपको ये कलर स्कीम्स नज़र आ रही है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये कलर प्रेडिक्ट किस चीज़ को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लियारी एक्सप्रेसवे को प्रेडिक्ट कर रहा है कि LERP के ये सेक्टर्स हैं और ये यहाँ पर क्लियर कट मैंशन किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था चीज़ कि ये क्या चीज़ है, तो इसको आप यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि मेजर कमर्शियल रिक्रिएशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी मेजर करेगी यहाँ पर फ्यूचर के अंदर। अब वो क्या करेगी ये मुझे नहीं पता, वो यहाँ पर जोड़िया बाज़ार को भी मुंतकिल कर सकती है, वो यहाँ पर कोई हाई राइज बिल्डिंग्स भी बना सकती है, गवर्नमेंट फ्यूचर के अंदर कुछ भी कर सकती है। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है इस 53 और 54 की बैक के ऊपर, इस वजह से इसकी इम्पॉर्टेंस पहले ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये M10 को टच कर रहा था, मोटरवे 10 को टच कर रहा है, और अब इसके पीछे जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों अभी आपने जैसे इसकी LERP के हवाले से इसकी साइट को और इसकी लोकेशन को देखा, कि वो समझाने की मैंने कोशिश की आप लोगों को कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद जो एक और बड़ा अहम इसका पॉइंट है वो है इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं चाहे तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की है, गवर्नमेंट की है, अगर किसी प्राइवेट बिल्डर की है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं उस हवाले से फर्दर आपको इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन बताने के लिए मैं अनस से कहूँगा कि अनस इस हवाले से थोड़ा सा अपने तमाम दोस्तों को ब्रीफ़ करें कि इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आतिफ भाई ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी है और आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अच्छा देखें, क्योंकि हम क्लाइंट को अब जाहिर सी बात है सारी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए समझाते हैं क्योंकि देखें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर इंसान जो पैसा इन्वेस्ट करता है सबसे पहले वो जब तक मुतमईन नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा थोड़ी सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में अगर इसकी आपको दिखाऊँ तो मेरा कैमरा मैन अगर थोड़ा सा करीब आ जाए तो मैं ये दिखाता हूँ कि आतिफ भाई ने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग बीइंग एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो बीइंग एज ए इन्वेस्टर होता क्या है कि सबसे पहले हम भी परचेज़ करते हैं, आपसे पहले हम परचेज़ करते हैं प्लॉट। तो देखें जो भी अलॉटी होता है सबसे पहले वो 3 ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेकर आता है। गवर्नमेंट ने जब लोगों को फ्री में प्लॉट दिए थे और इनको रीसेटल किया गया था तो उस वक्त ये 3 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने अलॉटीज़ को दिए थे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, ये इसका अलॉटमेंट ऑर्डर है, ये इसका पोजीशन ऑर्डर है और ये इसका साइट प्लान है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है हमारे पास अलॉटी आता है और हम जो है ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके डिपार्टमेंट में काफ़ी वकीला हजरात आपको मिलेंगे, वो हमसे लिंक्ड अप हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये 3 डॉक्यूमेंट्स उनके पास भिजवा देते हैं। वो इसका तमाम मैन्युअली और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड निकलवाते हैं। जब वो मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद इसके सेल एग्रीमेंट, इसके फॉर्म 1। अच्छा थोड़ी सी चीज़ मैं इसमें आपको ये समझाऊं कि गवर्नमेंट की चाहे कोई सी भी ज़मीन हो, चाहे वो KDA की हो, LDA की हो, MDA की हो या LERP हो, ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म 1 इशू करवाना लाजमी होता है। तो हमारे जो वकीला हजरात होते हैं वो हर प्लॉट के अगेंस्ट फॉर्म 1 इशू करवाते हैं। जब फॉर्म 1 इशू करवाते हैं तो जहाँ जहाँ अलॉटी की सिग्नेचर्स और थंब की ज़रूरत होती है हम वहाँ वहाँ उससे सिग्नेचर और थंब करवा देते हैं। यहाँ पर अगर आप करीब करके दिखा सकें, ये थंब वगैरह और सिग्नेचर्स, जो सिग्नेचर्स कर सकता है वो सिग्नेचर करता है, जो थंब लगाना चाहता है उससे हम थंब लगवा देते हैं। उसके साथ हम ये 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अलॉटी की और एक अदद पासपोर्ट NIC की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो हम इसमें अटैच करते हैं और उसके बाद उनको पेमेंट देते हैं और उसके बाद उनको रवाना कर देते हैं। उनसे हमारा ताल्लुक यहीं तक होता है। अब ये जो फ़ाइल है ये एक ओपन फ़ाइल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप लोग हमसे परचेज़ करने आए, अब जब कोई भी प्लॉट हमसे परचेज़ करेगा तो जहाँ जहाँ सेलर की परचेज़र की ज़रूरत होगी सिग्नेचर और थंब की, वहाँ वहाँ हम सिग्नेचर और थंब उनसे लगवा लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम सिग्नेचर और थंब करवा लेंगे। 20 से 22 जगह ये इसके सिग्नेचर्स और थम्स होते हैं, तो ये हम प्रोसेस करवा के उसके बाद ये हम भिजवा देते हैं डिपार्टमेंट। 45,000 डिपार्टमेंट की फ़ीस होती है ट्रांसफ़र की, तो वो आप हमें देते हैं और हम ट्रांसफ़र के लिए आपकी जो फ़ाइल है वो भिजवा देते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर जो इसका प्रोसेस शुरू होता है वो सबसे पहले ये होता है कि इसमें न्यूज़पेपर में इसका ऐड दिया जाता है कि जो प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो 7 यौम के अंदर सिविक सेंटर पे राब्ता कर सकता है। जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद हमारे जो वकील होते हैं वो लॉयर जो होते हैं वो फॉर्म 1 की रिसिप्ट जो है आपको एज ए रिसिप्ट के तौर पे दे देते हैं, जो जिस वक्त हम लोग जमा करवाते हैं ये फ़ाइल उस वक्त ये आपको रिसिप्ट दे देते हैं और इसका पे ऑर्डर जमा होता है बैंक के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसका चलान जमा होता है। चलान जमा होने के बाद जो फाइनली इसका रिज़ल्ट आता है वो ये होता है कि ये साहब अलॉटी थे, ये प्लॉट नंबर है, इनके अगेंस्ट जो है ये ट्रांसफ़र हुआ है, ये खातून जो है इनके नाम पर प्लॉट हुआ है। तो ये सारी असिस्टेंट डायरेक्टर और लैंड डायरेक्टर LERP के सिग्नेचर्स वगैरह के साथ हम आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं और मुबारकबाद के साथ आपको मुबारक देके और फाइल जो है आपके हाथ में दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ आतिफ भाई अगर मुझे 2 चीज़ें और दें। अच्छा, इसके साथ हम लोग जो हैं अपना पेमेंट एक्नॉलेजमेंट लेटर भी देते हैं। अच्छा, ये पेमेंट एक्नॉलेजमेंट लेटर है हमारे ऑफिस का। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, परचेज़र का नेम, प्लॉट नंबर, सेक्टर, सब सेक्टर, टोटल अमाउंट, और आतिफ भाई ने अगर आपको सेल किया है तो आतिफ भाई का नाम आ जाएगा, मैंने सेल किया है तो मेरा नाम आ जाएगा, आपके सिग्नेचर आएंगे, ये हमारे ऑफिस रिकॉर्ड में चला जाएगा और ये हम आपको दे देंगे। इसके साथ हम आपको वेरिफिकेशन लेटर भी देते हैं कि आया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर और लैंड डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर डॉट बराबर भी, सिंगल डॉट बराबर भी फ़र्क हुआ तो हम आपको आपके पैसे रिटर्न करेंगे। नंबर 2 ये है कि ट्रांसफ़र आप हमसे करवाएं या सिविक सेंटर के नीचे काफ़ी लॉयर्स आपको मिलेंगे, अगर आप उनसे करवाना चाहते हैं आप उनसे करवाएं। ट्रांसफ़र ना हो तो अगेन हम आपको डबल पैसे रिटर्न करेंगे। ये 2 चीज़ों के साथ हम मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा भी चुके हैं, और जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं तो उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इंतज़ार ना करें। प्लॉट जो है वो बहुत महदूद प्लॉट्स रह गए हैं, तो आके इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो जैसे अनस ने आपको काफ़ी हद तक ब्रीफ़ कर दिया है, कम्प्लीटली इसको ब्रीफ़ कर दिया है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में अलॉटी के पेपर्स कौन से होते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी गोल्ड आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है एज़ आ वारंटी के तौर पर। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। देखें, आज के दौर के अंदर जब 2.5 से 3 लाख रुपए का आप आईफोन परचेज़ करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसकी जगह पे ज़मीन ख़रीदें। ज़मीन आपको हमेशा पे करेगी, कोई भी उसके अलावा चीज़ आपको पे नहीं करती है, और ये लीगल और ऑथेंटिक ज़मीन है गवर्नमेंट की। इसको, अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें। बहुत महदूद प्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, इसको जल्द अज़ जल्द ख़रीद कर और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करें। थैंक यू सो मच।